नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाठशाला में आज ऑपरेशन शीश महल का 8वां पार्ट आपके सामने टाइम्स नाउ नव भारत रखने जा रहा है, और इसमें ऐसे ऐसे खुलासे होंगे जिसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल के अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची होगी तो वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि ऐसे खुलासे हैं जिनसे यह पता चलता है कि शीश महल के सच को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस हद तक जा सकते हैं जिसके बारे में हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भाई, इस लेवल पे चले गए ये लोग। और हमारे पास आज कुछ और बड़े सबूत हैं। आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ भी एक्सपोज हो जाएगा। केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही आज आपको लाइव सुनाऊंगा। हमारे साथ दो ऐसे गवाह जुड़ रहे हैं जिन्हें मोहरा बनाकर दिल्ली सरकार के उस अधिकारी को फंसाया गया जो शीश महल के मामले की जांच कर रहा था। हमारे साथ एनजीओ अभिनव समाज के चेयरमैन जीके गुप्ता जुड़ रहे हैं। गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका। और एनजीओ अभिनव समाज के वकील योगेश मैनी भी हमारे साथ होंगे। आपका भी बहुत स्वागत है योगेश भाई। धन्यवाद। लेकिन आज ये दोनों गवाह अरविंद केजरीवाल को लेकर जो बड़ा खुलासा करेंगे, जो बड़ी गवाही देंगे, वो आज आपको सुनाऊं। उससे पहले आज आपको इनके खुलासों से यह पता चल जाएगा कि जब अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 8 दिन, महज 8 दिन के लिए फुल पावर मिली, तो उनके लोगों ने एक अधिकारी को फंसाने के लिए कैसी कैसी चालें चली और कैसे शीश महल की जांच की फाइल को आधी रात को ठिकाने लगाने की कोशिशें हुई। यह सब कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। पहली बार एक एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, फिर ये लाइव गवाही सुनाऊंगा। आप सोचेंगे इनके पास ऐसा क्या है सच बताने को। आप वो सच सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। और ये सोचिए कि ये सब उन अरविंद केजरीवाल के राज में हो रहा है जो आजकल हर जगह कहते फिर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने संविधान की हत्या कर दी, लोकतंत्र की हत्या कर दी। लेकिन संविधान की हत्या कैसे होती है, नियम कायदे कानून को कैसे कुचला जाता है, पावर का मिसयूज कैसे होता है, यह आज आपको अरविंद केजरीवाल सरकार के उन कारनामों से पता चलेगा जो उन्होंने तब किया जब उनके पास सिर्फ 8 दिन की फुल पावर थी। मात्र 8 दिन की फुल पावर में जो हुआ है, जो आरोप लग रहे हैं, वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज हर जगह अरविंद केजरीवाल जी पहुंच रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं। भाई, अध्यादेश आया, फुल पावर चली गई, तो वह हर जगह जाके कह रहे हैं कि भाई मोदी जी जो है संविधान की हत्या कर रहे हैं, हमको फुल पावर नहीं देना चाहते। क्या नरेंद्र मोदी ने किया, क्यों फुल पावर लेनी पड़ी, अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन केजरीवाल जी ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी तरह से उन्हें फिर से वही पावर मिल जाए जिस पावर के दम पर वो दिल्ली में शीश महल का सच दबा सके। ये सवाल उठ रहा है, सबूतों के दम पर सवाल उठ रहा है। पिछले 3 दिन में केजरीवाल ममता बनर्जी से जाकर मिल चुके, उद्धव ठाकरे से मिल चुके, आज शरद पवार से मिल लिए, और ये सब इसलिए क्योंकि केजरीवाल को वही पावर फिर से चाहिए जो पावर उन्हें दिल्ली में मनमानी करने की छूट देते। क्या कोई उन्हें किसी बात पर रोके टोके नहीं, कोई उनके शीश महल की बात तक ना करे, कोई उनके शीश महल की जांच ना करे, क्या कोई उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के दूसरे मामले जांच ना करे? क्योंकि आप देखिए कि जब केजरीवाल को फुल पावर मिली थी तो उन्होंने सबसे पहले क्या दो काम किए। पहला, उस अधिकारी को हटाया जो शीश महल की जांच कर रहा था, पहला काम उन्होंने किया फुल पावर मिली। दूसरा, उन फाइलों को ठिकाने लगाने की कोशिश करने का आरोप लग रहा है जिनमें शीश महल का सच है, जिसमें शराब घोटाले का सच है। ये आरोप लग रहा है कि उन फाइलों को ठिकाने लगाने का प्रयास हुआ है, और क्यों आरोप लग रहा है अभी आगे दिखाऊंगा। शीश महल की जांच करने वाले जिस अधिकारी को केजरीवाल सरकार ने हटाया था उसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उस अधिकारी ने क्या कंप्लेन की थी आपको हमने बताया था। आज आप ये जान पाएंगे कि इस अधिकारी को किस तरह फर्जीवाड़ा करके हटाया गया, इस अधिकारी के खिलाफ कैसे एक शिकायत करवाई गई,
फिर उस फर्जी शिकायत का बहाना बनाकर अधिकारी को शीश महल की जांच से रोका गया। यह ठीक वैसे ही है जैसे फर्जी बहाना बनाकर केजरीवाल ने अपना शीश महल बनवा लिया। लेकिन कैसे राजशेखर पर कार्रवाई हुई, क्यों नरेंद्र मोदी को अध्यादेश लाना पड़ा, आज इस पर आऊं उससे पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूं जो उन आरोपों को पुख्ता करता है, जिन आरोपों में यह कहा गया था कि केजरीवाल सरकार अपने शीश महल की जांच की फाइलों को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि वाई राजशेखर नाम के जिस अधिकारी को केजरीवाल सरकार ने 13 मई को हटाया था, उसने यह शिकायत की थी कि उसके कमरे में आधी रात के बाद कुछ लोग आए और केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की फाइलें लेकर गए। अब हमने उस रात का सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया। यह सीसीटीवी फुटेज दिल्ली सचिवालय के चौथे फ्लोर का है। इसी फ्लोर पर विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी वाई राजशेखर का रूम नंबर 403 है। सीसीटीवी फुटेज में दिन और समय को देखिए, 16 मई का दिन है 2023 का और समय सुबह के 2:08, रात के 2:08। अब देखिए एक आदमी अपने हाथ में कैसे कुछ फाइलों को लेकर और इतना बड़ा बंडल लेकर निकल रहा है कमरे से। किस कमरे से? राजशेखर जी के कमरे से निकल रहा है और दूसरे कमरे में मौजूद शख्स को जाकर दे देता है। Helps beat sensitivity fast. कमरे से निकल रहा है और दूसरे कमरे में मौजूद शख्स को जाकर दे देता है। आगे का वीडियो देखिए, 2:07 पर खुद फाइलें लेकर गया, अंदर जा लेकर चला गया। आधी रात को लगातार फाइलों को एक कमरे से दूसरे कमरे में भेजा जा रहा था। 2:34 पर दो लोग और दिखते हैं। कुछ देर बाद तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है जो स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस वाई राजशेखर के कमरे में ताला लगाता है। मतलब ऐसा नहीं कि ताला तोड़ के काम हुआ है, ताला खोल के काम हुआ है बॉस, और इसीलिए आरोप लग रहा है कि इसका मतलब अंदर के लोगों का हाथ है। और जिस कमरे में फाइलें भेजी जा रही थी उस कमरे को भी बंद कर देता है वो 2:36 के आसपास। 2:34 पर देख रहे हैं, तीन लोग आपको दिख रहे हैं। आधे घंटे फाइलें इधर से उधर, उधर से इधर हो रही हैं। जिस कमरे में जा रही थी उस कमरे के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन 2:36 पर लाइट्स बंद कर देता है एक आदमी। उसके बाद सब कुछ चेक करता है कि कहीं कोई सबूत तो नहीं रह गया ऐसा लग रहा है, और उसके बाद वो वहां से सीधा चला जाता है। अब आप सोचिए कि दिल्ली सचिवालय कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि कोई भी घुस जाए। पूरी रात तो सचिवालय कहीं काम नहीं करता। रात के 2 ये लोग क्यों फाइलें इधर उधर कर रहे थे बॉस? और उसी अधिकारी के कमरे में क्या कर रहे थे जो अधिकारी शीश महल की जांच कर रहा है, शराब घोटाले की जांच कर रहा है? उसी कमरे में क्या कर रहे थे जिस कमरे में शीश महल की फाइलें रखी हुई हैं? आप याद कीजिए कि जिस रात को यह घटना हुई उसके अगले ही दिन विजिलेंस अधिकारी वाई राजशेखर ने चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि दिल्ली सचिवालय के जिस रूम में शीश महल और शराब घोटाले से जुड़ी संवेदनशील फाइलें रखी गई हैं उस रूम की जासूसी की गई है। तो जो उन्होंने आरोप लगाया वही सीसीटीवी में दिख रहा है। वहां रखी फाइल्स उठाई गई, फाइल से छेड़छाड़ हुई। 16 मई को विजिलेंस डायरेक्टर को लिखे अपनी शिकायत में वाई राजशेखर ने लिखा था कि उन्हें 15 मई 2023 को रात 9:14 पर विजिलेंस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर बुनियाद सिंह का फोन आया जिसमें उन्होंने यह जानकारी दी कि जिस कमरे में फाइल्स रखी गई हैं उसे खोलने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया गया है ताकि वो रिकॉर्ड्स अपने पास ले लें। पता चल सके ना कि जांच में क्या निकल कर आ रहा है। अभी तक तो जांच अंधे में, मतलब पता नहीं उसके बारे में, अंधेरे में है कि क्या चल रहा है अंदर। इसीलिए राजशेखर ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा कि प्रारंभिक जांच में मल्टीटास्किंग स्टाफ मनीष ने 15 मई की रात 3 तक उस कमरे को खोले रखा जहां संवेदनशील फाइल्स रखी गई, और आरोप यह भी है कि उसने सभी फाइलों की फोटोकॉपी भी कर ली है। वाई राजशेखर ने यह आशंका जताई कि कुछ समय में सभी फाइल्स को नष्ट कर दिया जाएगा। राजशेखर ने अपने अंडर आने वाले सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि वह ऐसी किसी भी गतिविधि में ना फंसे और विजिलेंस मंत्री से कोई भी मौखिक आदेश स्वीकार न करें। राजशेखर ने यह भी आशंका जताई कि सचिवालय में उनके कमरे जो कमरा नंबर 403 है उसकी जासूसी हुई है, कमरे में रिकॉर्डिंग बग लगाए गए हैं और यह बहुत संभव है कि गोपनीयता का हनन हुआ है।
फाइलों के साथ छेड़खानी हुई है। कौन सी फाइलें? वहां बहुत फाइलें थी जिनमें शीश महल की भी फाइल है, शराब घोटाले की भी फाइल है। वाई राजशेखर ने इस पर एक्शन की मांग लेटर में की थी। यानी राजशेखर जो बातें कह रहे थे वो सीसीटीवी सामने आने के बाद सही दिख रही है। हमारे पास वो वीडियो भी है जिसमें कमरा नंबर 403 और कमरा नंबर 404 दिख रहा है। इन कमरों के बाहर कॉन्फिडेंशियल सेक्शन एंट्री प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है। जरा वो तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, यहां से लेकर ये लोग फाइलें लेकर निकले राजशेखर के कमरे से, और जिस कमरे में गए, कमरा नंबर 403 C403, ये वो कमरा है जिसमें फाइलें लेकर संदिग्ध लोग जाते दिखे। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए, YVVJ राजशेखर IS, ये राजशेखर जी का कमरा है। और जिस कमरे में लेकर गए, जरा वो कमरा भी दिखाइए, यहां से देखिए ये लोग निकले और उसके बाद C404 में गए। 403 जो है वो राजशेखर जी का कमरा और 404 वो कमरा जो प्रोहिबिटेड है। और इस कमरे में अंदर घुसते ही पहले सामने फोटोकॉपी मशीन, उसके बाद जरा कैमरा घूमा तो दूसरी और तीसरी फोटोकॉपी मशीन नजर आती। यानी एक कमरा जिसके अंदर तीन तीन फोटोकॉपी मशीन है वो साफ नजर आ रही। अब आप बताइए, जहां गोपनीय फाइलें रखी गई हैं, एक तो वो रात में कमरा खुल कैसे रहा है? राजशेखर जी जो आरोप लगा रहे हैं वो सारी बातें सही धोती दिख रही हैं। वो कह रहे हैं फोटोकॉपी कराई गई, तीन तीन फोटोकॉपी मशीन जिस कमरे में है वहीं फाइलें जाती दिखी। एक बार आपको यह भी बताता हूं, अभी सबसे बड़ी गवाही तो बची हुई है, गुप्ता जी हमारे साथ बैठे हुए हैं जो बताएंगे कि केजरीवाल जी ने राजशेखर जी पर जो आरोप लगा उसका सच क्या है। अभी वो गवाही सुनिएगा तो कान से धुआं फेंक देगा, अभी तो सिर्फ सीसीटीवी फुटेज देखा है आपने। लेकिन पहले आपको याद दिलाता हूं ये गवाही क्यों इंपॉर्टेंट है। इस कमरे में कौन कौन सी फाइलें रखी थी वो भी अधिकारी ने बताया। इन फाइलों के नाम ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि 8 दिन में क्या क्या खेल करने की कोशिश की गई और क्यों नरेंद्र मोदी सरकार को ऑर्डिनेंस लाकर रोकना पड़ा। 8 दिन में यह सब हो रहा था तो सोचिए आगे क्या हो जाता। जिन फाइलों का नाम है, पहली फाइल टेंडर फाइल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ 6 फ्लैग स्टाफ सिविल लाइंस, यानी शीश महल की टेंडर से जुड़ी हुई फाइल्स, सब्सिक्वेंट ऑल्टरेशन एंड एडिशनल फाइल ऑफ 6 फ्लैग स्टाफ सिविल लाइंस, यानी शीश महल के निर्माण से जुड़ी फाइलें, मेजरमेंट बुक्स रिगार्डिंग पेमेंट मेड बाय PWD विथ रेस्पेक्ट टू 6 फ्लैग स्टाफ इनवॉइसेस सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, यानी शीश महल के निर्माण के दौरान कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट की गई उसकी फाइल उस कमरे में थी, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर फाइल्स ऑफ 6 फ्लैग स्टाफ सिविल लाइंस, यानी शीश महल के निर्माण से जुड़ी टेंडर की फाइल्स, डिविएशन को लेकर फाइल कि शीश महल के निर्माण में गड़बड़ी से जुड़ी फाइलें भी थी, शीश महल को चमकाने के लिए जो एक्स्ट्रा चीजें लगी उससे जुड़ी फाइलें थी, शीश महल के निर्माण में लगे लोगों की तस्वीरों से जुड़ी हुई फाइलें थी। इसमें एक फाइल उस दस्तावेज से भी जुड़ी है जिसमें एक्साइज पॉलिसी के तहत एक्साइज अधिकारियों पर एक्शन की बात। इसमें कुछ फाइल्स ऐसी भी थी जो विजिलेंस डिपार्टमेंट से जुड़ी हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ने मामले को केंद्रीय एजेंसियों को रेफर किया। शीश महल की जांच करने वाले अधिकारी का यह भी आरोप था कि फाइलों को उसके कमरे से निकालकर फोटोकॉपी करवाया गया और हो सकता है कि इसके बाद फाइलों को नष्ट किया गया। अब आपको उस कमरे का वीडियो दिखाता हूं जहां राजशेखर के कमरे से निकालकर फाइलें ले जाई गई। यह कमरा राजशेखर के कमरे के ठीक बगल का है और इसमें तीन तीन फोटोकॉपी मशीन नजर आ रही है जो मैंने आपको दिखाया। एक एक आरोप जो राजशेखर जी लगा रहे हैं वो सामने सच होता दिख रहा है। अच्छा, कोई कह सकता है कि ये राजशेखर के ही लोग, कोई कह सकता है ये केंद्र सरकार के लोग हों जो फाइलें इधर उधर कर रहे थे। सवाल इस बात का है कि अगर ये लोग केंद्र सरकार के भी थे, किसी और के भी थे, तो जब राजशेखर जी ने शिकायत दर्ज कराई कि मेरे कमरे की बगिंग हुई है, जासूसी हुई है, फाइलें इधर से उधर हुई है, उसके अगले ही दिन केजरीवाल सरकार ने ये सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकाला? इन तीन संदिग्धों के कॉलर पकड़कर पब्लिक के कदमों में क्यों नहीं फेंका कि देखिए ये कौन लोग हैं, किसके लोग हैं?
टाइम्स नाउ ना भारत फुटेज निकाल सकता है, केजरीवाल जी नहीं निकाल सके, जबकि ये मंत्रालय उनका है, वेबसाइट पर उनकी और सौरभ भारद्वाज की फोटो लगी हुई है। और अब मैं गवाही की तरफ बढ़ूं, उससे पहले आप ये भी देखिए कि कैसे पूरा ही ये जो खेल है वो कितने कम दिन में हो गया। अगर नरेंद्र मोदी सरकार, सोचिए आज की डेट में, ऑर्डिनेंस न लाती तो क्या से क्या हो रहा होता। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। 13 मई, उसके ठीक एक दिन के बाद, अधिकारी राजशेखर जी को हटा दिया गया जो कि विजिलेंस के अधिकारी थे। 15 मई को, 15 मई की रात कह लीजिए या 16 मई की सुबह, 15 मई की रात, 16 मई की सुबह, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं तो टाइम चेंज हो गया, 16 मई की सुबह फाइल से छेड़छाड़ होती है यह आरोप लगता है। इसी दिन की रात 2 बजे की हमने आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाई, और यह सब रुका कब? सब रुका जब 19 मई को केंद्र जो है वो अध्यादेश लाया। अब आप बताइए, ये घूम घूम कर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने संविधान की हत्या कर दी। बॉस, नरेंद्र मोदी ने तो संविधान को बचा लिया। अगर ये अध्यादेश ना आता तो ये 7 दिन में 8 दिन में जो खेल हो रहा था, ऐसे गंभीर आरोप लग रहे थे, ये अध्यादेश अगर ना आता तो कहानी सोचिए कहां चली जाती। और अभी तो एक बड़ा सच बचा हुआ है जिसकी गवाही सुनवानी है आप। केजरीवाल जगह जगह इस अध्यादेश के खिलाफ इसलिए समर्थन मांग रहे हैं जिससे वो दोबारा उनके पास पावर आ जाए, वो किसी भी अधिकारी को हटा सके, वो किसी भी फाइल को ठिकाने लगा सके। सुनिए आज शरद पवार से मिलने के बाद केजरीवाल ने क्या कहा। आई लव डिजाइनिंग आउटफिट्स फॉर कपल्स, दे ब्रिंग अ सर्टेन मैजिक टू द होल प्रोसेस। सुनिए आज शरद पवार से मिलने के बाद केजरीवाल ने क्या कहा। लड़ाई 8 साल में हमने जीती, 11 मई को ऑर्डर आया, 19 मई को 8 दिन के अंदर इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके उसको खत्म कर दिया, सारी पावर वापस। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास या केंद्र के पास सारी पावर होगी। अब ये बिल के रूप में आएगा पार्लियामेंट में, तो हम पूरे देश में एक 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 पार्टी के पास जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, दिल्ली के लोगों के लिए समर्थन मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आएगा तो उसका और इसको बिल को हराना है। तो मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। ये वही केजरीवाल हैं जो अपने राजनीतिक मतलब के लिए एक वक्त पर उन सभी नेताओं को जी भरकर कोसते थे, उन्हें बेईमान बताते थे जिनके साथ आज ये घूम रहे हैं। आज भी केजरीवाल अपने मतलब के लिए इन नेताओं की बात कर रहे हैं, फर्क बस ये है कि अब वो इन्हें बेईमान नहीं बताते बल्कि इनकी तारीफ करके समर्थन मांग रहे हैं, जिससे केजरीवाल केंद्र अध्यादेश को पारित होने से रोके। आज की डेट में तो ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार को केजरीवाल जी को फोन लगाकर पूछना चाहिए कि ये सीसीटीवी फुटेज क्या है जी, तुम तो हमसे समर्थन मांगने आए थे। अभी गुप्ता जी की गवाही सुनने के बाद इन नेताओं को फोन करना चाहिए। लेकिन जो नेता कल कुछ और कहते थे आज कुछ और कह रहे हैं, ऐसे नेताओं पर क्या भरोसा किया है। कांग्रेस के नेता भी इसलिए केजरीवाल से सबको सावधान कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि केजरीवाल के पास जब फुल पावर होती है तो वो क्या करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो पंजाब है। पंजाब में विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने 2 दिन पहले ही कहा कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से किसी तरह की हमदर्दी नहीं दिखानी चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुलिस और जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिंदगी नरक बना दी। प्रताप सिंह बाजवा ने आलाकमान से यह भी अपील की कि वो आम आदमी पार्टी को सहयोग करने से पहले पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं से सलाह ले। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, इन्हें सहयोग नहीं करना चाहिए। यह कांग्रेस के नेता पंजाब के कह रहे हैं।
पंजाब में केजरीवाल के लोगों ने हमारी रिपोर्टर भावना के साथ क्या किया था वो तो पूरे देश ने देखा। भावना पर फर्जी एससी एसटी केस डालकर जेल में डाल दिया गया। जब भावना जेल से छूटकर आई तो वो स्टूडियो में अपनी कहानी बताकर रोने लगी थी। भावना ने बताया था कि कैसे उन्हें झूठे केस में पुलिस पकड़कर ले गई। भावना ने खुद बताया कि पुलिस वालों ने उससे कहा था कि उन्हें जेल में डालने के लिए ऊपर से प्रेशर। जेल से बाहर आकर भावना ने हमें क्या क्या बताया था एक बार उसका छोटा सा हिस्सा सुनिए, फिर आज की गवाही पर आऊंगा। तुमने जो खबर चलाई है ना, बात करो उसको हटाओ, ये सरकार है सरकार। मेरे अंदर ना एक घबराहट होने लगी कि सर मुझे घर जाने दो, शायद मेरे किसी को पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ। तो मुझसे माफी मांग रहे थे कि बहुत प्रेशर है भावना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज़ कॉपरेट करिएगा। मैंने बोला सर क्या, मैं कब जाऊँगी घर? तो उन्होंने बोला हो सकता है 4-5 दिन लग जाए। ये सुनते ही मेरी हिम्मत टूट गई। तो जो सीनियर ऑफिसर साहब थे उन्होंने बोला कि कर दो, वाहेगुरु जी देखो, उनकी तस्वीर देखो और मुझे देखो, आप बोलो मैं अपने माँ बाप अपने छोटे बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मौजूद कोई भी नहीं कर रहा है, बेबस है, हम लाचार हैं, हम नहीं कर रहे तुम्हारे साथ ये सब। मैंने बोला सर जो कर रहा उसको बोलो ना करे सर, मेरा पूरा करियर चौपट हो जाएगा। ये भावना के आंसू थे जो पूरे देश ने देखा, और ये उस पंजाब में वहां हुआ जहां केजरीवाल जी के पास पावर था। दिल्ली में 8 दिन की फुल पावर में उन्होंने क्या किया, आज नव भारत पर देश देख रहा है और इनको देश का प्रधानमंत्री बनना है। सोचिए उतनी पावर मिल गई तो क्या ही होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी गवाही आपको सुनाने जा रहा हूं। आपने सीसीटीवी फुटेज देख लिया, आपने कागजी सबूत देख लिए कि कैसे फाइलों को ठिकाने लगाया जा रहा था, उसकी तस्वीरें देखी। अब वक्त है आज के दूसरे बड़े खुलासे का, और यह खुलासा ऐसा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शीश महल की जांच ना हो सके, अधिकारी को ही हटा दिया जाए, इसके लिए किस हद तक गए ये लोग, इसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप सोच ही नहीं सकते। कई लोगों को तो शौक लग रहा होगा कि भाई कमरे खुल रहे हैं, फाइलें निकल रही हैं। उसके पहले की कहानी सुनिए। शीश महल की जांच करने वाले अधिकारी राजशेखर जी को हटाने के लिए जो आधार बनाया गया था, हमारी पड़ताल में वो आधार ही फर्जी निकला बॉस। यानी अधिकारी को हटाने में भी बड़ा गड़बड़ झाला हुआ। दिल्ली सरकार का दावा था कि विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी वाई राजशेखर को काम से इसलिए हटाया गया क्योंकि उनके खिलाफ कई शिकायतें थी, और शिकायतें किसने की थी कहा गया, अभिनव समाज नाम के एक एनजीओ की तरफ से की गई हैं। ये देखिए, ये एक मिलिंद भारद्वाज एंड एसोसिएट्स, ये एक वकील ने अभिनव समाज जिसको आप देख रहे हैं उसकी एक चिट्ठी लगाई कि भाई इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को शिकायत दी है राजशेखर जी के बारे में, और इसीलिए बिना कोई जांच बिना कोई सुनवाई एक दिन जैसे पावर मिली एक दिन में राजशेखर जी की सारी पावर छीन ली गई। लेकिन हमने जब पड़ताल की तो पता चला कि इस एनजीओ ने राजशेखर के खिलाफ कभी कोई शिकायत ही नहीं की। एनजीओ के चेयरमैन जीके गुप्ता ने खुद बताया कि उन्होंने वाई राजशेखर के खिलाफ कोई शिकायत की ही नहीं है। यानी ये जो शिकायत का पन्ना है, ये जो इतने दस्तावेज हैं, सब फर्जी निकल रहे हैं हमारी जांच में। इतना ही नहीं, इसके बारे में सीएम केजरीवाल को 18 मई को चिट्ठी लिखकर उन्होंने जानकारी दी कि बॉस मैंने राजशेखर जी पे कोई लांछन नहीं लगाया। जीके गुप्ता ने केजरीवाल को लिखे लेटर में कहा था कि 18 मई को कुछ अखबारों में छपा कि अभिनव समाज की तरफ से कंप्लेन की गई है और नोटिस जारी किया गया। अच्छा, ये क्या लिखा, मैं क्या आपको बताऊं, मैं सीधे आपको जीके गुप्ता जी से मिलवाता हूं। जीके गुप्ता जी आपको बताएंगे कि क्या हुआ था। जीके गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, गोपाल कृष्ण गुप्ता जो इस अभिनव समाज एनजीओ के चेयरमैन हैं, और दूसरे शख्स जिनको आप देख रहे हैं ये योगेश मैनी जी, जो जीके गुप्ता जी के अभिनव समाज के वकील हैं। तो ये जो मिलिंद जी के तरफ से चिट्ठी गई अभिनव समाज की तरफ से, वो मिलिंद जी जो हैं वो वकील ही नहीं है। आप सोचिए किस लेवल का फर्जीवाड़ा चल रहा है।
जीके जी, गुप्ता जी, पहले आप ये बताइए, क्या आप राजशेखर जी को जानते हैं और क्या आपने कभी कोई शिकायत की कि इस आदमी ने आपसे कुछ उगाही की कोशिश की या जो बातें कही गई कि भाई आपसे आपको प्रताड़ित किया गया? देखो जी, आज तक तो मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की. मुझे तो 18 तारीख को आपका न्यूज़पेपर नवभारत टाइम्स देख के ही पता चला कि अभिनव समाज की तरफ से कोई कंप्लेंट की गई है. कंप्लेंट नहीं बल्कि नोटिस दिया गया है सीधे सीएम को और हेल्थ मिनिस्टर को, एक अधिकारी राजशेखर के अगेंस्ट में. तो मुझे जैसे ही पता चला मैंने इमीडिएटली लेटर लिखा सीएम को और हेल्थ मिनिस्टर को. मैंने इमीडिएटली ईमेल पे भी लेटर भेजे और सेम डे हार्ड कॉपी भी रिसीव करवाई, लेकिन आज तक तो मेरे पास कोई उसकी कंफर्मेशन तक नहीं आई. यानी आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि आपने कभी कोई शिकायत दर्ज ही नहीं कराई राजशेखर के खिलाफ? डेफिनेटली जी, बिल्कुल मैंने आज तक कोई शिकायत. तो ये जो शिकायत दर्ज कराई गई है ये फर्जी शिकायत है? 100% जी फर्जी है. मैं इस वकील को ही नहीं जानता, ना मैंने इसको कभी पावर ऑफ अटॉर्नी दी, ना कभी हायर किया है कि मेरी तरफ से नोटिस दे. तो ये मिलिंद एम भारद्वाज, जिस वकील का नाम लिखा है, हमें भी ये वकील कहीं नहीं मिला. आपके वकील योगेश मैनी जी हैं. योगेश जी, आपने कोई शिकायत दे दी हो अगर गुप्ता जी की तरफ से और इन्हें पता ना हो राजशेखर जी के लेकर? सुशांत जी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. बिकॉज अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए कंप्लेंट दे रहा हूँ या किसी को नोटिस दे रहा हूँ, उससे पहले मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने क्लाइंट से एक अथॉरिटी लेटर, वकालतनामा या अटॉर्नी उससे लूँ. और साथ में ये भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी मैं कंप्लेंट या लीगल नोटिस किसी दूसरी पार्टी को सर्व कर रहा हूँ, उस कंप्लेंट या लीगल नोटिस पर भी अपनी पार्टी के सिग्नेचर लूँ, जो कि इस प्रकरण में कहीं भी नहीं किया गया है. अगर आप क्रोनोलॉजी को समझना चाहें सुशांत इस मैटर में, हाँ, तो 12 तारीख की कंप्लेंट है, नोटिस है ये लीगल नोटिस, 13 को एक्शन ले लिया जाता है. उसके बाद जब हमारे संज्ञान में ये बात आती है 18 तारीख को और हम अपनी तरफ से एक कंप्लेंट ऑनरेबल सीएम को और अदर और एजेंसीज को दर्ज कराते हैं, तो उस पर आज हम 25 तारीख में बैठे हैं और कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई नहीं ली जाती है. तो ऐसी क्या मंशा है इस गवर्नमेंट की कि ये एक्शन नहीं ले रही है इस मैटर के अंदर? मैं दर्शकों के लिए थोड़ा इसको सरल कर देता हूं, आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी. 11 तारीख को अरविंद केजरीवाल सरकार को पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि वो अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं. 12 तारीख को मिलिंद एम भारद्वाज एंड एसोसिएट्स, देखिए 12 मई की तारीख लिखी हुई है, 12 मई 2023, पावर मिलने के अगले ही दिन एक वकील की तरफ से यह शिकायत दी जाती है मुख्यमंत्री जी को. लिखा है अरविंद केजरीवाल जी, सौरभ भारद्वाज जी को दी जाती है. और इसमें कहा जाता है कि यह जो अभिनव समाज है जिसके चेयरमैन गुप्ता जी बैठे हुए हैं, इन्होंने शिकायत की है कि राजशेखर जो अधिकारी हैं, जो शीश महल की जांच कर रहे हैं, जो कि शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं, ये करप्ट आदमी है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए. 12 तारीख को ये जो शिकायत है, जो अब हमारी जांच में फर्जी निकल रही है, गुप्ता जी कह रहे हैं इन्होंने कभी कोई शिकायत ही नहीं की, 12 तारीख को यह फर्जी शिकायत होती है, 13 तारीख को राजशेखर जी पर एक्शन हो जाता है. ठीक एक दिन बाद, बिना उनको सुने, बिना उनका पक्ष जाने, उनसे सारी पावर ले ली जाती है 13 तारीख को. और फिर 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात, यानी 16 तारीख को सुबह, 15 तारीख की रात 2 बजे, या 16 तारीख हो गई तब, 16 तारीख को रात 2 बजे उन्हीं राजशेखर जी का कमरा खुलता है, क्योंकि अब तो वो उस कमरे में जा नहीं सकते, पावर ले ली गई. और वहां से फाइलें सीसीटीवी फुटेज में दिखती हैं कि फाइलें कैरी होती हैं, अगले कमरे में जाती हैं जहां 3-3 फोटोकॉपी मशीनें लगी हुई हैं. रात के 2 से 2:30 बजे के बीच में यह सब होता है. और उसके बाद राजशेखर जी की शिकायत के बाद भी कुछ नहीं होता, बकायदा वो रूम लॉक कर दिए जाते हैं. इतना ही नहीं, ये जीके गुप्ता जी, जो कि अभिनव समाज के चेयरमैन हैं, जिनके मार्फत कहा गया कि भाई कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इन्होंने शिकायत की जो इन्होंने कभी की ही नहीं, राजशेखर जी को हटाया गया, ये कह रहे हैं इन्होंने अखबारों में पढ़ा, नवभारत टाइम्स में पढ़ा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो दौड़े दौड़े गए. इन्होंने 18 तारीख मुख्यमंत्री जी को
शिकायत दी कि भाई हमने कोई शिकायत नहीं की राजशेखर जी के ऊपर, क्यों एक्शन ले रहे हो आप, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए यह क्रोनोलॉजी समझिए, 8 दिन की पावर मिलने पर कैसे एक अधिकारी जो शीश महल की जांच कर रहा है, जो शराब घोटाले की जांच कर रहा है, उस पर फर्जी आरोप लगते हैं, उसको हटा दिया जाता है, फिर उसका कमरा खुलता है, फाइलें इधर से उधर होती हैं, और फिर कहा जाता है हम कट्टर ईमानदार हैं। इसलिए मैंने आपसे पाठशाला के शुरू में कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी के पास अगर इत्तू सी भी नैतिकता बची होगी तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे, और इस्तीफा देने के बाद कहेंगे कि देखो मैं जांच करवाता हूं, और अगर उससे ईमानदार होकर निकल गए, पाक साफ निकल गए, तो मैं ही पाठशाला में खबर भी दिखाऊंगा। लेकिन आज की डेट में जितनी चीजें हो रही हैं, फेक मनगढ़ंत गलत आरोप लगाकर अधिकारी को हटाया जा रहा है, वो सारी चीजें अरविंद केजरीवाल को, उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर। आप यह भी देखिए कि जिस लीगल फर्म ने अभिनव समाज एनजीओ की तरफ से राजशेखर के खिलाफ नोटिस भेजी, उस फर्म पे भी सवाल उठ रहे हैं। इस फर्म का नाम है मिलिंद एम भारद्वाज एंड एसोसिएट्स, और इस फर्म के लेटर हेड पर इसका पता भी लिखा। उस एड्रेस पर हमारे सहयोगी अभिषेक राज पहुंचे यह पता करने के लिए कि नोटिस क्यों भेजा भाई, जब इन्होंने भेजा नहीं, जीके गुप्ता ने, इनके वकील ने भेजा नहीं, तो हमने हमारे रिपोर्टर को भेजा कि भाई जाओ ये मिलिंद जी से पूछ के आओ, इन्होंने कैसे भेज दिया। अभिनव समाज एनजीओ कोई लेटर भेजने से इनकार कर रहा था, तो हमारे सहयोगी उस एड्रेस पर गए। इस फर्म का पता आकाशदीप बिल्डिंग हेली रोड लिखा था, लेकिन हेली रोड पर कोई आकाशदीप बिल्डिंग ही नहीं है। फर्जीवाड़े की इंतहा देखिए, आकाशदीप बिल्डिंग ही नहीं है, बल्कि आकाशदीप बिल्डिंग 12 खंबा रोड पर है, और उस बिल्डिंग में भी मिलिंद एम भारद्वाज एंड एसोसिएट्स का कोई दफ्तर ही नहीं है। हमारे सहयोगी अभिषेक को वहां क्या जानकारी मिली, जरा रिपोर्ट में देखिए। यह आकाशदीप बिल्डिंग है, इसके अंदर ये पता किया जाए कि कोई मिलिंद एम भारद्वाज का कोई फर्म है क्या, और ये इस तरीके से कोई एजेंसी चलती है ना। भैया एक बात बताइए, ये जो एड्रेस है ये क्या यहीं का है, आकाशदीप बिल्डिंग यही है क्या? जी। तो ये आकाशदीप बिल्डिंग में कोई B7 है क्या? नहीं, B7 नहीं है। नहीं, क्योंकि हेली रोड पे तो है नहीं ये आकाशदीप बिल्डिंग। आकाशदीप हमें पता चला कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई है? बिल्डिंग तो यही है आकाशदीप, मगर इसमें ये कोई नहीं है। और ये मिलिंद एम भारद्वाज नाम का कोई है यहाँ पे? नहीं सर, इस तरह का कोई भी नहीं चलता है। नहीं सर। देखिए ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से कोई भी फर्म नहीं है मिलिंद एम भारद्वाज का, और ये आकाशदीप बिल्डिंग है जिसका जो एड्रेस है, जिसका बिल्डिंग का नाम जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। हेली रोड पे कोई आकाशदीप बिल्डिंग नहीं है। जब हमने पता किया आकाशदीप बिल्डिंग आखिर है कहाँ पे, तो हमें पता चला कि ये 12 खंबा रोड पे है, और जब हम 12 खंबा रोड पे आके यहाँ पता किए कि आकाशदीप बिल्डिंग में क्या सच में कोई मिलिंद एम भारद्वाज एंड एसोसिएट करके कोई जो फर्म है वो चलता है, तो हमें पता चला कि यहाँ पे भी वो नहीं चलता। यानी कि जो एड्रेस है वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्जी है, गलत है, और लेटर हेड पे भी जो एड्रेस लिखा गया है इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर जब एक IAS अधिकारी को, इतने बड़े अफसर को, विजिलेंस के इतने बड़े अधिकारी को हटाया गया, तो क्या इसकी सत्यता की जांच नहीं की गई? क्या ये जांच नहीं किया गया कि आखिर ये पूरा का पूरा जो लीगल नोटिस है वो कहां से आया है, किसने भेजा है, और किन कारणों से भेजा है? ये तो बेसिक से सवाल थे कि एक शिकायत 12 तारीख को आई तो जरा चेक कर लेते कि सही जानकारी है नहीं है, अभिनव समाज से मिल लेते, पूछ लेते कि क्या शिकायत है। इतनी बड़ी में थे अरविंद केजरीवाल जी राजशेखर जी को हटाने को लेकर, ऐसा लगता है कि अगले दिन कार्रवाई कर। और ये एड्रेस गलत निकल रहा है, ये वकील जो है वो इनका वकील नहीं है, शिकायत फर्जी निकल रही है, और उसके बाद CCTV में फाइलें इधर से उधर हो रही हैं, पब्लिक समझ सकती है क्या हो रहा है। इधर से उधर हो रही हैं, पब्लिक समझ सकती है क्या हो रहा है। मुझे जीके गुप्ता जी एक और बात बताइए, क्या आपने मुझे बताया कि राजशेखर जी को आप जानते थे, क्या राजशेखर जी को आप जितना जानते थे क्या वो बेईमान आदमी थे, और कैसे जानते थे आप उनको? देखिए जी, मैंने उनके साथ 23-24 साल पहले काम किया था,
और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बड़े ईमानदार और ऑनेस्ट ऑफिसर थे। उसके बाद भी मैं 2015 में रिटायर हुआ, तब तक अगर कोई ऑफिसर ऐसा करता है आपस में ऑफिसर्स में पता तो लगता है कि फलाना ऐसा है, लेकिन उनके बारे में मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं सुना। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बहुत बढ़िया और ऑनेस्ट ऑफिसर थे। ऑनेस्ट ऑफिसर थे, हाँ जी। तो जिन राजशेखर के लिए कहा जा रहा है कि ऑनेस्ट ऑफिसर थे, उनको एक दिन में हटा दिया गया। मैं फिर एक बार आपसे पूछ रहा हूं, आपने राजशेखर जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई लेटर नहीं लिखा? नहीं जी, मतलब ही नहीं है। अब ये जिस बल्कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए इस मिलिंद भारद्वाज एसोसिएट के अगेंस्ट। इन्होंने मेरी कुछ वो जो है उसका प्रूफ प्रोड्यूस करेंगे ना कि मैंने कोई इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी हो, वकालतनामा दिया हो, कोई पेमेंट दिया हो या कोई टेलीफोन कन्वर्सेशन हो। वो तो एजेंसीज जब इंक्वायरी करेंगी तो उसमें आ जाएगा ना मेरी कोई इनके साथ टेलीफोन कन्वर्सेशन भी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो योगेश जी, आपका दूसरा नाम मिलिंद तो नहीं है? आपने बताया ना हो इनको? नहीं सर, अभी नहीं रखा है और जरूरत भी नहीं है कि मैं ऐसा कोई नाम रखूं विच शेल बिकम सो कॉल्ड और फेक। लेकिन मैं आज चाहता हूं कि देश समझे, ये वो नेता समझे जिनके पास अरविंद केजरीवाल दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने हमारी पावर छीन ली, संविधान की हत्या कर दी। 8 दिन की पावर में बॉस, 8 दिन की पावर में ये हो सकता है। सोचिए पावर रह गई होती तो क्या होता। आज ममता बनर्जी जी फोन करें केजरीवाल जी को, पूछें कि ये पाठशाला में क्या दिखा रहे हैं जी। उद्धव ठाकरे फोन करें, शरद पवार फोन करके पूछें कि ये क्या चल रहा है केजरीवाल जी। और अगर इसका जवाब नहीं दे सकते तो किस नैतिकता के आधार पर आप लोगों से समर्थन मांगने आए। आज की रिपोर्ट देखने के बाद तो लोग नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोलेंगे कि आप ऑर्डिनेंस ले आए, ये संविधान की हत्या होने से बचा लिया। वरना शीश महल, शराब घोटाले और पता नहीं कितनी जांच जो है उसका सच कभी पता ही नहीं चल पाता, और अभी भी नहीं पता कि चल पाएगा नहीं। उस रात इन फाइलों के साथ क्या हुआ है इसकी तो जांच होनी चाहिए। सिर्फ फोटोकॉपी हुई या इधर से उधर हो गई या उनको फाड़ दिया गया, जला दिया गया, क्या हुआ भगवान जाने। इसलिए हमें तो लगता है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और तब तक अरविंद केजरीवाल जी और सौरभ भारद्वाज जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यह विभाग उनके ही अंडर आता है। केजरीवाल के शीश महल पर आज हमने जो विस्फोटक खुलासे किए उससे राजनीति में हड़कंप मच गया। लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको सुनवाता हूं लोग क्या कह रहे हैं। जैसे इनको अवसर मिला वैसे ही सबूत मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। रात के 2-3 बजे कौन वो लोग थे जो विजिलेंस के दफ्तर में अधिकारियों के ऐसे कागज चुराते हैं, फाइलों को नष्ट करते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी देश को बताएंगे कितनी फाइलें चोरी हुई, कितनी फाइलें नष्ट की गई, कितनी फाइलों की फोटोकॉपी की गई, कितनी फाइलों को जलाने का काम किया गया और किसके कहने पे किया गया, ये देश जानना चाहता है। आखिरकार आम आदमी पार्टी की सरकार चुप क्यों बैठी है, कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसा कैसे हो सकता है कि देश की राजधानी में विजिलेंस डिपार्टमेंट में उन फाइलों से छेड़खानी की जाती जिसमें आम आदमी पार्टी के घोटालों के सबूत छिपे हुए हैं? क्या था ऐसा फाइलों में जिसको लेकर नष्ट करने की जरूरत रात के 2-3 बजे पड़ गई? इसलिए कहा जा रहा है कि जांच बहुत जरूरी है। पाठशाला में अब नई संसद पर हो रही उस राजनीति का चैप्टर, जिस राजनीति में पीएम मोदी ने विपक्ष को ऐसा फंसा दिया कि अब वो पछता रहे होंगे कि नई संसद के उद्घाटन का